अध्यक्ष धनिराजन शर्मा जी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे हिंदुस्तान के किसान नेता चौधरी जैन सिंह जी, सम्मानित मंच, और एक ऐसे मेरे साथी जो पांचवी बार अभी अभी अगर एक फिल्टर से आए हैं, सभी साथियों, किसान बंधुओं, माताओं, बहनों, बेटियों, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्षमा चाहते हुए दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। आज उस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है जिनका नाम हिंदुस्तान की राजनीति में जो तीन ईमानदार लोग होते थे, जिनका नाम पहले नंबर पर आता था, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण आज हमारे चितौड़ा गांव के अंदर गांव वासियों की सहयोग से मित्रों हो रहा है। चौधरी साहब यह तकरीर सुनते थे, चौधरी साहब को जब जब भी खर्चे की जरूरत होती थी तो चौधरी साहब अपने अध्यक्ष से कहते थे कि आप जलसे का इंतजाम कीजिए। उस जलसे के अंदर तमाम ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर के उन्हें एक थैली भेंट किया करते थे उस पार्टी को चलाने के लिए। बेटे चौधरी अजीत सिंह जी निहाल शरीफ इंसान थे, सादगी के प्रतीक थे। आज जितने भी किसान है हिंदुस्तान के, उनको अगर उठाने में, उनकी व्यवस्था सुदृढ़ करने में अगर हाथ रहा है तो चौधरी अजीत सिंह जी का रहा है। मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, अभी छह महीने पहले चुनाव हुआ, उनकी तीसरी पीढ़ी, उनके बेटे चौधरी साहब के पोते पहला चुनाव आपके बीच में लड़ रहे थे। कितना सहयोग आपने उन्हें किया है ये आपकी अंतर आत्मा जानती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा राज्यसभा में किसान की भाग उठाने वाला और कोई नहीं है। चौधरी जैन साहब हमारे अध्यक्ष है, उनकी देख रेख में तमाम किसान फिर से जागा है। तुमको बैठा इधर कंपनी की हो रही है, अलग अटमें तमाम किसान फिर से जागा है और उसका प्रमाण आपको मिला है। मदर भैया जी, आप लोग सत्ता होकर के फिर से वारंट लगाइए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, गरीब, अमीर, सब एकजुट होकर के जो खतौली में नक्शा पेश किया है वही आपको फिर से पेश करना पड़ेगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस विश्वास के साथ जो साहब के अपने इस जनपद धन्यवाद के अंदर उनका स्वागत करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने तमाम चितौड़ा गांव के ग्रामवासियों का, केरन साहब का, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ बहुत थोड़े से समय के अंदर इस बैठक का आयोजन किया और चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। मैं तो आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि चौधरी साहब की प्रतिमा हर गाँव के अंदर लगनी चाहिए। उनसे हम प्रेरणा ले कि किस तरह से उन्होंने किसान को ऊपर उठाया। जो हमारे सामने रहेंगे तो यहाँ मेरे मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बातें बहुत सारी करने की मेरी इस बार आप मुझे को भी अच्छा नहीं लगता, पूरी तो एक बार लगाने में काम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तीन नारे नहीं लगा देता हूँ आपको जोर से बोलने। चौधरी चरण सिंह हाथ उठा के नहीं बोलते क्या? अरे 70 साल की उम्र में
जब मैं जो उठे बोल सकता था तभी उठ सकता है।